नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर हम आपके सामने। और आज हमारे साथ फिर से हैं कपिल जैन जी। इनकम टैक्स की, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब आखिरी तारीख आने वाली है, 31 जुलाई की तारीख है और सभी लोग अपने इनकम टैक्स में लगे हुए हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि साहब जब हम रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो अक्सर हमें ये दिखाई देता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा बन रहा है, टैक्स को कैसे बचाया जाए। तो हमारी एक नॉर्मली कोशिश ये होती है कि भाई कुछ इस प्रकार से टैक्स प्लानिंग की जाए जिससे कि हमारा टैक्स भी बच जाए और वो लीगली वैलिड भी हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि टैक्स हम लोग कई बार कहते हैं, हमारे पास भी क्लाइंट के भी फोन आते हैं कि सर मुझे टैक्स बचाना है, मुझे टैक्स नहीं देना है, तो वो उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों टैक्स बचाना गुनाह नहीं है यदि आप उसे एज पर लॉ करते हैं तो, और यदि आप एज पर लॉ नहीं चलेंगे तो फिर वो आपको लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। तो आज हम कपिल जैन जी से समझना चाहेंगे कि भाई आखिर हम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं अगर मेरा टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कमिंग संडे को इनकम टैक्स के ऊपर कपिल जी एक वेबिनार कर रहे हैं। ये सेमिनार जो है वो 11 बजे से 2 बजे तक है, संडे को छुट्टी का दिन है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हमें ITR कैसे फाइल करनी है, ITRU के बारे में, और सिर्फ इसमें कपिल जी ही नहीं है, नए TDS के बारे में, 194R है, 194S, 194Q के बारे में, और कपिल जी के अलावा यहाँ पर 4 और स्पीकर्स भी हैं, पारस अग्रवाल, प्रवीण बंसल, अमित गोयल और मोहित जी यहाँ पर आएंगे और आपको सभी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आपको ध्यान रखना है कि 17 जुलाई को आपको 11 बजे ज्वाइन करना है और इसमें आपको नंबर्स जो दिए हुए हैं आप इन नंबर्स पे कॉल करके भी आप अपना लॉगिन का लिंक ले सकते हैं। चलिए हम फिर से शुरू करते हैं कि भाई आखिर हम टैक्स को कैसे बचाएं। तो कपिल जी अब बताइए थोड़ा सा कि टैक्स हम कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर आप सचमुच में सही ITR फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई का वेट ना करें, ठीक है ना। आप अपनी ITR अगर आपकी सारी तैयारी पूरी है तो अभी से फाइल करना शुरू कर दें, चाहे 15 जुलाई है, चाहे 16, चाहे 17, जब भी आपको समय मिले आप अपनी ITR फाइल करना शुरू कर दें जी। आपने ये वाला तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा। आजकल मेरे पास जो लोग बाग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 31 जुलाई की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सर वो मैंने क्वेश्चन जानबूझ के नहीं पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं और सभी उम्मीद करते हैं कि डेट बढ़ेगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप डेट बढ़ने का, जैसे आपने भी शुरुआत की कि भाई डेट नहीं, उससे पहले पहले हमें कंप्लीट कर देना चाहिए, तो हमें डेट बढ़ने का इंतजार करना नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि रिसेंट में ही गवर्नमेंट ने जो अपने नया पोर्टल स्टार्ट किया है जी। आपने भी रिटर्न फाइल किया, आपका भी अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि अब अगर आपका रिफंड की आप ITR फाइल करते हैं विद इन 24 आवर्स आपको रिफंड मिल रहा है। यानी जिसको अपनी रिटर्न फाइल करनी है रिफंड की, यानी रिफंड क्लेम करना है अपनी ITR में, तो भाई साहब मैं तो कहता हूँ कि आज ही रिटर्न फाइल कर दो, कल अपने अकाउंट में पैसे ले लो। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस चीज को समझना, जैसा कि भैया ने बताया कि आज ही ITR फाइल करो और आज ही अपने अकाउंट में रिफंड क्लेम कर लो, तो इस चीज को हमारे को समझना है कि जब हम ITR फाइल कर रहे हैं तो पहले ना जितनी डिटेल हम दे सकते हैं उतनी डिटेल हम यूजर्स को दे दें। बिल्कुल, ठीक है। या जो हमारे प्रोफेशनल है जिनसे हम ITR भरवा रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट है जिनके हम ITR भर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिटेल ले लें। कैसी डिटेल आप ले लें? आप पहले उनका बैंक अकाउंट जरूर लें, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि भैया बैंक अकाउंट लेते ही नहीं, फॉर्म 16 लिया, उसके बेसिस पर रिटर्न फाइल कर दी, या अंदाजे से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की इनकम डाली, वो रिटर्न फाइल कर दी। क्लाइंट से ये पूछा ही नहीं कि भाई तुम LIC प्रीमियम कितना देते हो। बिल्कुल, अगर उसने LIC की स्लिप दी तो बेटर है, अगर नहीं दी तो छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, आप LIC का सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं कि भाई आपने LIC का कितना प्रीमियम दिया ये बता दो। बहुत सारे लोग चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस देते हैं, अब वो स्कूल से फीस लेके आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता फीस रिसिप्ट क्या है। कई लोगों की स्कूल फीस बैंक से जा रही है, उनके बारे में ठीक है। तो भाई अगर आपकी स्कूल की फीस आप अपने क्लाइंट से कम साल में उसे एक बार बुला लो, अपने ऑफिस में बुला लो, चलो कोरोना चल रहा है उससे फोन पे बात कर लो कि भाई तेरे कितने बच्चे हैं, स्कूल की फीस है या नहीं है, उससे पूछ लो भाई जिस घर में तुम रहते हो उस पर होम लोन तो नहीं चल रहा, क्योंकि ये सारी बातें क्लाइंट को नहीं पता। तो आप अपने क्लाइंट से एक चेकलिस्ट बनवा लो जी। आप एक मेल ड्राफ्ट करा लो
कि भाई जिसमें आप उनसे पूछ लो कि भाई आपका कोई होम लोन तो नहीं है, कोई बच्चों की स्कूल फीस तो नहीं है, कोई LIC प्रीमियम तो नहीं है। जिसके घर में बेटी है उससे पूछ लो कि भाई अगर बच्चे हैं तो बेटी भी है क्या, वो कहेगा हाँ। क्या भैया सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, अगर वो कहता है हाँ तो भाई उसकी डिटेल दे दो, हम उसकी डिडक्शन ले लेंगे। तो इस तरीके से जैसे कि 80C में डिडक्शंस मिलती है तो बहुत सारे क्लाइंटों की डिडक्शन होती है लेकिन हम उसे क्लेम नहीं करते। अब इसमें रीजन क्या होता है भैया क्लेम ना करने का, कि लेट सपोज मेरे क्लाइंट की इनकम है 4 लाख रुपए, अब मान लो मेरे को 80C क्लेम करनी है तो मैं कहता हूँ 4 लाख पर तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता, तो भाई 80C क्लेम करके क्या करूंगा, और मान लो उसकी 1.5 लाख की 80C है, ठीक है ना। तो कई लोग ऐसे डिडक्शन क्लेम नहीं करते, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई आपको अपनी एक्चुअल रिटर्न भरनी चाहिए। मान लो उसकी 4 लाख की इनकम है, 1.5 लाख की 80C करी और आपने 2.5 लाख की इनकम डाल दी, अब हो सकता है इन फ्यूचर उसकी 1 लाख रुपए की कोई और इनकम आ जाए या 2 लाख रुपए की कोई और इनकम आ जाए, असेसिंग ऑफिसर कह दे कि भाई तुमने 2 लाख रुपए की इनकम को अपनी ITR में नहीं लिया, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है भैया तो 2 लाख की और ऐड कर दो, तो पहले जब तुमने डिडक्शन नहीं दिखाई तो 4 लाख से इनकम कितनी हो गई, 6 लाख होगी, उस पर टैक्स आ जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर डिडक्शन दिखा के इनकम दिखाते तो 2.5 लाख में अगर वो 2 लाख ऐड कर दो, ऐड भी कर देगा तो भी 4.5 लाख तो भी टैक्स हमारा नहीं लगा। तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि आपको डिडक्शन प्रॉपर क्लेम करनी है जो आपकी है, बिल्कुल ठीक है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम ITR फाइल करके क्या करें, तो आजकल ना व्हाट्सएप पे बहुत सारे फायदे चल रहे हैं और वो सचमुच में फायदे हैं, तो आप अपनी ITR को टाइम से भर के उन फायदों को ले। अब कई लोग कहते हैं नहीं भरता मैं ITR क्या करोगे, तो यहाँ पर इस बात को समझना, एक एक प्रोफेशनल्स के पास मेरे हिसाब से भैया 100-100 ITR है, बिल्कुल किसी पे 200 होंगे, 200 होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आप पर कितनी है। तो जितनी लोगों पे ITR होती है तो कई बार असेसी ये सोचता है, अल्टीमेट यूजर ये सोचता है कि प्रोफेशनल मुझे फोन करेगा, हाँ। 4 बार फोन करेगा, 4 बार मेरी रिक्वेस्ट करेगा तब मैं ITR भरूंगा, मतलब ऐसे बन के बैठा हुआ है कि भाई प्रोफेशनल जब बुलाएगा तब जाऊंगा। अरे भाई उसके पास 100 ITR है, 100 ITR है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि भाई ITR आपकी है, नहीं भरोगे तो अल्टीमेटली नुकसान आपको होना है, प्रोफेशनल को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अगर मैं आपको कपिल जी बताऊं तो हमारे यहाँ से जो कॉल्स जाती है वो सिर्फ 10 जुलाई तक जाती है, 10 जुलाई के बाद हम लोग किसी को कॉल नहीं करते, क्योंकि जिसे नहीं करना है तो मत करें। हम तो कहते हैं अच्छा है तुम्हारे पास पेनल्टी लगेगी, अच्छी बात है, अगली बार अगर ठिकाने आ जाएगी। अब अगर हम पेनल्टी की बात कर ले तो क्लाइंट्स को ना इस तरह का फ्लायर्स बना के दे दो, जैसे हमने तुम्हारे को 80C का फ्लायर्स बना के दिया, वो पूछता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आऊं, तो ये वाला मैं यहीं पे रोकूंगा। ये जो डिजाइन आपने कर रखी है, बड़ी प्यारी प्यारी डिजाइन आपने की हुई है, ये क्या है? ये मैं ये डिजाइन खुद नहीं करता हूँ, पहली बात मैं बता दूं, मेरे को तो जब मैं पढ़ाई करता था मेरे को तो सीधा झंडा बनाना भी नहीं आता था ड्राइंग में, ठीक है, कि झंडा कैसे बनता है, भारत का नेशनल फ्लैग, ये भी ऐप बनाया, झंडा नहीं बनाया, हाँ ये भी मैंने ऐसे ऐप बनाया, तो ड्राइंग मुझे नहीं आती। लेकिन मैंने क्या करा हुआ है, हमारी टीम ने ये फ्लायर की सर्विस दी हुई है, अगर कोई हमसे पूछता है कि अगर हमने ITR फाइल नहीं करी तो क्या होगा, हम उसे ये वाला फ्लायर दे देते हैं और अपने स्टेटस पे भी लगा लेते हैं, अपने सोशल मीडिया पे भी लगा लेते हैं, और उसे बता देते हैं कि भाई अगर 31 जुलाई तक करेगा तो नील, इसके बाद करेगा तो 1000, उसके बाद करेगा 5000, इसे स्टेटस पे लगा लेते हैं, और हमारे ना 2500-3000 लोग स्टेटस देखते हैं, DP इतने लोग देखते हैं, तो कई बार क्लाइंट खुद ही कहते हैं भाई ये पेनल्टी का क्या सिस्टम है, अगर उसे ये समझना होता है तो वो हमें फोन कर लेता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी मार्केटिंग भी हो जाती है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमने 80C का भी ऐसा ही फ्लायर बनाया है, आप अगर देखोगे तो हम इस तरह के फ्लायर्स बनाकर अपने स्टेटस पे लगा लेते हैं, और अगर आप भी चाहो ना ऐसे फ्लायर्स बनवाने तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, हमारी टीम आपको इसकी सर्विस दे देगी, यहाँ पर मेरे फोटो की जगह आपका फोटो आ जाएगा, KJ क्लासेस की जगह आपकी फर्म का नाम आ जाएगा, हमारे एड्रेस की जगह आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, उसे आपको करना क्या है, अगर आपके 500 क्लाइंट है सबको भेज देना, बिल्कुल ठीक है ना, स्टेटस पे लगा लेना है, DP पे लगा लेना है, फेसबुक पे लगा लेना है, यूट्यूब पे लगा लेना है, इंस्टाग्राम पे लगा लेना है, तो बार बार जब लगाओगे तो वो सामने वाला सोचेगा अरे यार ITR भरवा लेते हैं, ब्रांडिंग भी आपकी हो जाती है, हाँ ब्रांडिंग भी हो जाती है, भरवा भी लेते हैं, तो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, कई लोगों को मैंने भी पोल डाला फेसबुक पेज पे, तो अभी 80% से ज्यादा लोगों को ये उम्मीद है कि ITR की डेट बढ़ेगी। अच्छा इस 80 लोगों में मैं भी हूँ, तो मैं नहीं हूँ, मैं बाकी 20 में हूँ, ठीक है ना, मुझे लगता है बढ़ेगी, लेकिन मैं ये कहता नहीं हूँ कि बढ़ेगी, क्योंकि जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि ये बढ़ेगी
तो फिर मैं काम करना बंद कर दूंगा। पता है मन के किसी कोने में है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी आईटीआर भरी जाए अभी मैं उन आईटीआर पे काम कर रहा हूँ जो मुझे पैसे देती है, बिल्कुल अच्छे पैसे देती है, या मान लो मेरे घर वालों की आईटीआर है। तो मैं कह रहा हूँ पहले सारी घर वाले पैसे नहीं देते तो बदले में बहुत कुछ चीजें मिल जाती है, तो पहले हम उनकी आईटीआर पे काम कर रहे हैं। तो आप भी क्या करो, अपनी जितनी आईटीआर से पैसे आ सकते हैं जिनके रिफंड की आईटीआर है उनको अपने टाइम से फाइल कर लो। हम तो 31 तारीख के आसपास उन्हें फोन करते हैं कि पैसे आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, तो खाली बैठे अगर आईटीआर आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन पहली जो अपनी आईटीआर है वो हम अभी टाइम से फाइल कर लेते हैं। जी भैया, इसमें और कुछ नहीं। कपिल जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं LIC प्रीमियम पे, मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि कई बार हमसे कहते हैं सर हमने LIC प्रीमियम पे किया है। हाँ। या हमने पे नहीं किया, हम वैसे ही बोगस 1.5 लाख रुपए की फिगर्स दिखा दें क्या डिडक्शंस में, क्या वो ठीक है? अब आप समझो, ठीक है ना, हिंदुस्तान के पीछे रहने का कारण सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार, ठीक है ना। आप 1.5 लाख की HTC दिखा दो, तुम्हारे से कोई पेपर चेक नहीं मांगता, बिल्कुल। लेकिन कल को अगर आप लोन लेने चले गए, कल को आपको डिपार्टमेंट ने बुला लिया कि लेके आ भाई 1.5 लाख की HTC की डिडक्शन, तो तब आप क्या करोगे? तब अननेसेसरी आपको पेनल्टी लग जाएगी। हाँ। तो भाई मेरा मानना ऐसा है, आप कोई भी बोकस डिडक्शन क्लेम मत करो, जो आपकी जेन्युइन डिडक्शन है वो क्लेम कर लो। बिल्कुल। जैसे कई लोग क्या करते हैं, 31 मार्च को प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। हाँ। तो उसका प्रीमियम जो होता है वो 2 अप्रैल को कटता है जाकर, तो वो 31 मार्च में भी क्लेम कर लेते हैं और 2 अप्रैल में भी। तो वहां पर ये गलत है। आप इस चीज को समझो कि जो आपकी डिडक्शन है वो जेन्युइन लो। और मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से रिटर्न भरवाते हैं जिसे अच्छी नॉलेज है, चाहे वो अकाउंटेंट है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो आपको ना बहुत ज्यादा टैक्स प्लानिंग बता देता है। बिल्कुल सही बात। वो मतलब कि सारी चीजों को डिटेल तो ज्यादा मांगेगा, लेकिन वो बता देगा कि आपका टैक्स बचा देगा और वो सही तरीके से बचाएगा, सही तरीके से, आपके फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। बिल्कुल दिक्कत ना। तो दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है जिसके बारे में अभी कपिल जी ने बताया, ऐसी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो आप उनका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, हाउसिंग लोन का या इंश्योरेंस का, ये सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन है आप उसी का ही क्लेम करें। और दूसरा, इसके बारे में डिटेल्ड में 3 घंटे की वेबिनार है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पर सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वहीं पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, 5 एक्सपर्ट्स उस मीटिंग में होंगे, उस डिस्कशन में होंगे, वो सभी आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो इस वेबिनार को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का हमें मालूम है आप इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ही आपको नया नेक्स्ट वीडियो भी मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।